Hello guys, welcome to the Transformation Factory. This is Manas and I'm back with another video. Guys, आज हम बात करने वाले हैं कि किस एज में हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर किस एज में हमें वर्कआउट करना चाहिए. Guys, इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है कि पेरेंट्स बोलते हैं अपने मतलब जो बच्चे होते हैं 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, इवन 18 तक बच्चे होते हैं, उनको मना करते हैं कि जिम मत जा, तेरी हाइट रुक जाएगी वगैरह वगैरह. तो आज हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं, क्या हाइट रुकती है या नहीं. गाइज, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे आप वहाँ पूछिए, मैं हर किसी को इंस्टाग्राम पे रिप्लाई ज़रूर करता हूँ. गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक. हेलो गाइस, वेलकम बैक. तो गाइस देखिए, एक्सरसाइज क्या होता है, हमारी जो नेचुरल बॉडी मूवमेंट होती है दैट इज़ ओनली द एक्सरसाइज. अगर उसमें हम रेजिस्टेंस डालते हैं उसे को हम एक्सरसाइज बोलते हैं. तो एक्सरसाइज, बच्चा जब पैदा होता है टिल इज डेथ वो एक्सरसाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सबसे पहले क्रॉलिंग करता है, वॉकिंग करता है, फिर थोड़े देर बाद भागने लगता है, ये सारे एक्सरसाइज ही तो हैं. तो गाइज, एक्सरसाइज की कोई एज नहीं है, आप एक्सरसाइज कभी भी किसी भी एज में कर सकते हैं. अब बात आती है रेजिस्टेंस की, जब आप किसी भी एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस देते हैं वो वर्कआउट बन जाता है. आप जब किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी अपने बॉडी मूवमेंट में आप रेजिस्टेंस देते हैं तब आप फिजिकली और स्ट्रांग होते हैं, मसल ग्रो करते हैं. अब बात आती है कि किस एज में जिम ज्वाइन करना चाहिए. गाइज, जिम ज्वाइन करने की मैं अगर एज बताऊंगा तो आप 13 अबव, मतलब जो टीन्स होते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू 18, जब टीन एज होता है, जैसे बच्चा टीन में एंट्री करता है 13-14, आप उसको जिम ज्वाइन करवा सकते हैं. गाइज, अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो दिखाइए, अगर आपको जिम जाने से रोकते हैं उनको ये वीडियो दिखाइए ज़रूर. तो ये जो टीन फेज होता है इसमें हमारी बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हम इसी टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं. हमारी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो इसी टाइम में होती है. हम मैक्स 18 टू 21 तक जो हमारा एज ग्रुप होता है उस एज तक हम हमारी जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू रहती है. तब आप तो जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं स्पेशली वो मना करते हैं कि आपकी हाइट रुक जाएगी. तो गाइज, आप जिम जाएं ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हाइट रुकेगी. हाइट जो होती है वो सारा इनहेरिटेड होती है, सारा जेनेटिक होता है. आपकी हाइट जो होती है आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है. आप पेरेंट्स बोले तो सिर्फ पापा ही नहीं, आपकी मम्मी या फिर उनसे पहले जनरेशन, वहाँ से भी आपकी हाइट इनहेरिटेड होती है. लेकिन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके जो जस्ट अबव वाली जो जनरेशन है, आपकी पेरेंट्स हैं, उनसे आने के चांसेस होते हैं. तो हाइट का सारा खेल जो होता है वो जेनेटिक पे डिपेंड होता है, और हाइट 99% आपकी जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करती है. अगर आपकी हाइट डिसाइडेड है कि इतनी होनी है तो इतनी होगी, वो आपकी हाइट रुकने नहीं वाली. अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर आप फिटनेस में हैं तो आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को तो जानते ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, हॉलीवुड में भी काम करते हैं वो. तो गाइज, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी एट द एज ऑफ 15. तो क्या उनकी हाइट रुकी? नहीं गाइज, हाइट जो होनी होती है जेनेटिकली वो आनी है, एक्सरसाइज से रुकते नहीं है. अब आती है कि किस टाइप की एक्सरसाइज हमें अवॉइड करना चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपकी हाइट पर फ़र्क ना पड़े. जैसे कि मैंने कहा कि 99% आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो 1% है जिसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस आ सकता है, उस 1% को अवॉइड कैसे करें. तो वो जो 1% जिसकी वजह से आपकी हाइट में चेंजेस आ सकती है, रुक सकती है, वो 1% कैसी एक्सरसाइज होती है? गाइस, वो 1% ऐसी एक्सरसाइज होती है जो सीधा सीधा आपकी स्पाइन पे लोड डालें और आपकी स्पाइन को कंप्रेस करें. तो ऐसी एक्सरसाइजेस को हमें अवॉइड करना है. तो आप जब 13-14 से अपनी एज में जब जिम ज्वाइन करते हैं, या फिर जो अंडर टीन्स हैं वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज इतनी होती है, स्क्वाट्स वगैरह, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ये सब आप कर सकते हैं. इनके रेपिटेशन बढ़ाइए, आपको अगर इम्प्रूव करना है तो इनके रेपिटेशन बढ़ाइए. ऐसे ज़्यादा वेट मत ऐड करना है इसमें, डंबल्स बाबल्स ये सब ऐड नहीं करना. तो अगर हम टीन्स के बारे में बात करें जो जिम ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स से किसी टीन ने जिम ज्वाइन कर लिया, अगर उनके बारे में बात करें तो उनको कैसे वर्कआउट्स करने चाहिए? उनको पुशअप्स, पुलअप्स,
बॉडी वेट स्क्वाट्स, मतलब ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स हमें नहीं लेना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स नहीं लेना है। और जो कंपाउंड मूवमेंट्स है उसमें मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और ओवरहेड डंबल प्रेसेस। इन कंपाउंड मूवमेंट्स में आप ज़्यादा हैवी ना जाएं, और हैवी की तो बात छोड़ो, आप इनको वेटेड करना, मतलब आप इनमें वेट ऐड करना अवॉइड करें। सबसे पहले तो आप ओवर डंबल प्रेस करिए ही मत अगर आप टीन है, लेकिन आप सीधा सीधा आपकी स्पाइन पे लोड डालता है। और स्क्वाट्स में आप बाबल वगैरह लेके उसमें वेट ऐड ना करें, आप बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाएं। जैसे ही आप 16-17 तक एज उस ग्रुप में पहुंचते हैं, आपकी हाइट मैक्सिमम 90-95% जो आपकी हाइट होनी होती है उतनी आप पहुँच चुके होते हैं। लेट्स से आपकी हाइट 6 feet होने वाली है, जब आप एडल्ट हो जाओगे आपकी हाइट लेट्स से 6 feet होने वाली है, तब 16-17 ईयर्स के एज में आपकी हाइट मैक्सिमम 90-95% कवर हो चुकी होती है, आप 5'11", 5'10" पहुँच चुके होते हो, तब आप उस स्टेज से अपना वेट डालना शुरू कर सकते हो, डेडलिफ्ट स्क्वाट्स और ओवर डंबल प्रेसेस करना शुरू कर सकते हो, बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर सकते हो। तो गाइस कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप टीन हो तो ओवर डंबल प्रेस, वेटेड स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें जिसमें आपका सीधा सीधा लोड आपके स्पाइन पे पड़ता है। बाकी आप दूसरे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपनी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, साइकिलिंग, जॉगिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, बाइसेप्स कर्ल्स, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने तीन एक्सरसाइज बोली इनको अवॉइड करें, और इनमें वेट ऐड करना तो मतलब बहुत दूर की बात है, तो सबसे पहले इनको अवॉइड ही करें। आप 15-16 के एज में आप इनको करना शुरू कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर जो बॉडी बिल्डिंग टाइप्स एक्सरसाइज होती है, हैवी लोड लेना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना, वो 15-16 में शुरू कर सकते हैं। तो गाइज आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि हैवी वेट एक्सरसाइज इन तीन एक्सरसाइज में ना करें। आपकी हाइट जो 1% चांस होते हैं आपकी हाइट रुकने का, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।